Hello student, good morning. Today we will learn Maths Standard 3rd, chapter number 2, Fun with Numbers. Fun with Numbers में हम page number 20 तक हम पहुँचे हैं. Page number 20, उसमें क्या दिया है कि jumping animals, क्या दिया है? Jumping animals. दिख रहा है ना snake आपको? उसमें jump कर रहे हैं. कौन-कौन है? गबरू, bunny and तरु आर जंपिंग ऑल, यानी कि गबरू, बनी एंड तरु आर जंपिंग ऑल. द वे गबरू जंपिंग ऑन एवरी 7 square. वो क्या बोल रहे हैं कि गबरू है वो 7 square, यानी कि 7 digit के बाद 7 steps वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. यानी कि गबरू है यहाँ पे, वो 7 steps से जंप कर रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 90 से 97 पे वो जंप कर रहा है. वैसे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 104 पे गबरू है वो 90 से 97 टू 104 तक वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. वैसे बनी ऑन एवरी 5th square, यानी कि बनी है वहाँ पे, वो बनी कैसा कर रहा है? 5th jump, यानी कि 5 digit से वो जंप कर रहे हैं. यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 104 पे, यानी कि गबरू है वो 2nd step पे 104 पे था, वैसे ही बनी है वो 104 पे आए, यानी कि दोनों साथ में आए गए. उसके बाद क्या है कि तरु ऑन एवरी 4th square, यानी कि तरु यहाँ पे, तरु है वो 4th square, 1, 2, 3, 4, 4th square पे वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. उसके बाद गबरू स्टार्ट जंप, कि गबरू है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 90 digit से. कहाँ से? 90 digit से. एंड बनी है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है जंपिंग? 99 से स्टार्ट कर रहा है. कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 99 से. एंड तरु स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम स्क्वायर नंबर्स 104, यानी कि जो तरु है वो 106 से स्टार्ट कर रहा है, 106 से वो स्टार्ट कर रहा है. उसके बाद दिया गया है ब्लैंक. क्या दी गई है? ब्लैंक दी गई है कि गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन स्क्वायर, कि यानी कि वो बोल रहे हैं कि गबरू एंड बनी है वो साथ में जो जंप कर, वो जो जंप कर रहे हैं वो जंप में वो साथ में, यानी कि बोथ को, कौन से ऐसा डिजिट है जो बहुत साथ में आ सकते हैं. वैन से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 104 पे बनी भी आ गए और गबरू भी आ गया था, यानी कि फर्स्ट तो दिया गया है 104. वैसे ही हम जंप करते जाएंगे, यानी कि बहुत वो गबरू है और बनी है वो साथ में कब आते हैं? 139 पे आते हैं. क्या आते हैं? 139 पे. उसके बाद 174 पे आएंगे. उसके बाद कहाँ से आएंगे? 174. उसके बाद फाइंड आउट, कि हमें फाइंड करना है. फर्स्ट है उसमें कि तरु एंड बनी जंप ऑन स्क्वायर, कि तरु एंड बनी है वो जंप कर रहा है. तरु एंड बनी कहाँ पे हैं? बनी एंड तरु वो दोनों साथ में जंप कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? 114, यानी कि 114 कहाँ पे आएंगे? 114. फिर उसके बाद 134, यानी कि 134. उसके बाद 154 कैसे आएंगे? 114, 134 एंड 154. उसके बाद एंड 174 कैसे आए? पहले क्या दिया गया? 114 के बाद 134 स्किप हो गया, 154 स्किप हो गया, 164 स्किप है, 174 कंटिन्यूस. उसके बाद है कि इज देयर एनी स्क्वायर वेयर ऑल थ्री ऑफ देम जंप, के वो जंप कर रहे हैं कि एनी थ्री, तीनों साथ में कहाँ पे पहुँचेंगे? तो कि 174 कहाँ पे? 174 पे. लास्ट सब लोग है वो बनी, तरु एंड गबरू, तीनों साथ में कहाँ पे आएंगे? 174 पे, यानी कि 174 पे. गेस हु विल फिनिश इन द लिस्ट जंप, के किसका सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा सबसे, के गबरू इन हाउ मैनी जंप्स, किसका जंप है वो सबसे छोटा, यानी कि सबसे कम जंप में वो
लास्ट तक पहुंच जाते हैं वो कौन सा है, यानी कि कौन है तीनों में से, कौन ऐसा है कि जो लास्ट पहुंचने में थोड़ा बहुत ही जंप लेना पड़ेगा, तो वो है गबरू, क्योंकि उसके जो स्टैंड है यानी कि स्क्वायर है, वो जो स्टेप कर रहा है ऐसे, तो वो क्या है, 7 है। बाकी सारे का बनी का है वो 5th है, वो उसका 4th है। तो जो गबरू है, गबरू उसका जंप 7th है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा है, तो उसको जंप कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जंप कम करना पड़ेगा, और पहले जंप में यानी कि 13 जंप में वो लास्ट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद एक क्लास जंप, क्या करना है, क्लास जंप, अब आपको क्या करनी है, गेम खेलनी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, क्या हमें 2 स्टेप पे फॉरवर्ड करनी है। फर्स्ट में दिया गया कि 104, 2 स्टेप में आपको क्या करना है, जंप करना है, यानी कि 104, 106, 108 दिया गया है। उसके बाद ब्लैंक दी गई है, तो आपको क्या करना है, 2 स्टेप जंप करना है। तो कैसे करेंगे, 104, 106, 108, उसके बाद क्या आएगा, 109 तो नहीं आएगा, तो 110 क्या आएगा, 110, उसके बाद 11 नहीं आएगा और 112, उसके बाद 13 नहीं आ सकता, 114, हो गया कंप्लीट। सेकंड है जंप 2 स्टेप बैकवर्ड, क्या करना है, बैकवर्ड यानी कि आपको क्या करना है, पीछे आना है, क्या करना है, पीछे आना है। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है, आगे जाना होता है, क्या होता है, आगे जाना होता है, और बैकवर्ड यानी कि पीछे जंप लेना पड़ता है। तो जंप पीछे लेना यानी कि 262 है, उसमें 262 जंप हमें स्किप करनी है, यानी कि 62, 61 एंड 60। उसके बाद 258, 59 एंड 58, उसके बाद 256, यानी कि 58, 57, 56, हो गया। उसके बाद है 254, 55 तो आ नहीं सकता, तो कौन आएगा, 254। ये क्या है, फॉरवर्ड है, और ये क्या है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड यानी कि पीछे आना, पीछे जंप लेना। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जंप 10 स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि 10 स्टेप हमें फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड यानी कि आगे जाना है, 10 स्टेप हमें आगे जंप करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट क्या दिया गया है, 110, 120, 130, उसके बाद क्या आ सकता है, 140, उसके बाद 150, 10 स्टेप कर क्या करना है, जंप लेना है, फॉरवर्ड लेना यानी कि आगे लेना, 110, 120, 130, 140, 150, 160। उसके बाद क्या दिया गया है, जंप 10 स्टेप बैकवर्ड, यानी कि 10 स्टेप आपको बैकवर्ड यानी कि पीछे आना है, पीछे आना यानी कि 200 है आपके पास, तो 200 के बाद आगे यानी कि 200 से पहले आएगा 100, तो 190, 180, 170, 160, 150, कंप्लीट। 5th नंबर में क्या दिया गया है, काउंटिंग द पैटर्न, पैटर्न हमें काउंट करना है, कैसे पैटर्न कैसी दी गई है वो हमें एज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिया गया था कि 2 स्टेप करना है, 10 स्टेप करना है, बैकवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है, वो सब दिया गया था, बट अब तो नहीं दिया गया, अब क्या करना है, पैटर्न करनी है। पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि कैसी पैटर्न चल रही है, वैसे हम करेंगे। तो यानी कि 550, 560, 570 यहाँ तक दिया गया है। अब क्या करेंगे, 550, आपको पता चला है कि 500 चल रहा है, उसके बाद 50, 60, 70, 10 स्टेप में फॉरवर्ड चल रहा है, क्या फॉरवर्ड यानी कि आगे चल रहा है, और 10 स्टेप में 50, 60, 70 एंड 580, 590, 500 के बाद क्या आएगा, 600, 610,
उसके बाद सिक्स नंबर में क्या दिया गया है, 910, 920, 930, 940, उसके बाद हमें लिखना है अपने आप, यानी कि पहले हम देखेंगे कि 900 की कंटिन्यूस नंबर चल रही है, उसके बाद क्या देखेंगे 10, 20, 30, 40, वो कंटिन्यूस चल रहा है यानी कि फॉरवर्ड चल रहा है, आगे चल रहा है 10, 20, 30, 40 यानी कि आगे चल रहा है, तो आगे चलने में 10 डिजिट की क्या हो रही है, जंपिंग हो रही है, यानी कि 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 हो गया कंप्लीट। सेवन नंबर में क्या दिया गया है, 209, क्या दिया गया है 209, उसके बाद 207, 205, तो आपको चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि 200 तो कंटिन्यूस चलेगा, उसके बाद क्या है तो कि 975 से आपको पता चल रहा है कि 9 है वो ज़्यादा है, उसके बाद कम 7, उससे कम 5, तो कम यानी कि बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड यानी कि पीछे आना है, तो पीछे आने के लिए हम क्या करेंगे, 9 टू डिजिट में स्किप करनी है, तो 209, 207, 205, उसके बाद क्या आएगा 203, 4 के बाद 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, यानी कि 203, 201, 201 के बाद क्या आ सकता है 199, क्योंकि 200 के कम यानी कि पीछे कौन आएगा 199, उसके बाद 197, उसके बाद दिया गया है 8 नंबर में 401, 402, 403, up to continuous, यानी कि आपको पता चल रहा है कि 400 है वो कंटिन्यूस चलेगा, उसके बाद आपको देखना है कि 1, 2, 3 यानी कि फॉरवर्ड चल रहा है एंड 1 डिजिट की स्कीप चल रही है, यानी कि 1, 2, 3, 400, 405, 406, 407, 408 ऐसे आपको कंटिन्यूस चल रहा है, उसके बाद क्या देख रहा है आपको कि लेजी क्रेजी एंड शॉप, क्या दिख रहा है लेजी क्रेजी एंड शॉप, दिस इज द जंगल शॉप, लेजी क्रेजी गिवन थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ 10, 100 एंड लूज आइटम, यानी कि उसको क्या करना है कि 10 यानी कि 100 10 टेंस एंड 100 एंड लूज आइटम्स उसको शॉपिंग करनी है, वहाँ से लेजी क्रेजी शॉप है वहाँ पे उसको क्या करना है शॉप करनी है, तो वो बोल रहा है कि फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10s, कि 10 पैकेट्स उसको क्या करना है ख़रीदना है, तो कितने हो गए कि 100 एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल्स वी टेक फिल इन द ब्लैंक, हमें फिल इन द ब्लैंक करनी है, फर्स्ट क्या दिया गया है कैरेट दिया गया है तो कैरेट लेना है, तो कैरेट के लिए क्या है पैकेट्स ऑफ 100 रुपीस, पैकेट्स ऑफ 10 रुपीस छोटे छोटे है, एंड लूज लॉस आइटम यानी कि कैरेट्स 1, 2, 3 उसकी प्राइस क्या हो गई 143, उसके बाद है यानी कि 143 हो गई, उसके बाद क्या होगा हमारे पास जो एलिफेंट है वहाँ पे 210 है, तो 210 में हम क्या करेंगे 100 की 2 देंगे नॉट्स, 100 की यानी कि 100 प्लस 100 की 2 नॉट्स, उसके बाद 10 रुपीस देंगे, क्या देंगे 10 रुपीस देंगे, उसके बाद क्या देना है कुछ नहीं क्योंकि 200 हो गया, उसके बाद 10 रुपीस यानी कि क्या हो गया आपका 210 हो गया, उसके बाद क्या है बनानाज है, तो बनानाज है वो मंकी ने कितने खरीदे 242 खरीदा, तो उसने क्या किया कि 200 है तो 100 का 2 नोट्स, उसके बाद 40 रुपीस क्या देना है 40 रुपीस देना है, 10 रुपीस की 4 नोट्स यानी कि 10 रुपीस प्लस 10 रुपीस, उसके बाद आपको 2 रुपीस देना है, क्या देना है 2 रुपीस, 552 क्या है 552
552 में 500 की नोट्स आपको देनी है। क्या देनी है? 500 की भी दे सकते हो और 100 की 5 नोट्स भी आप दे सकते हो। क्या? 100 की 5 नोट हो गई। उसके बाद 50 है तो 10 की 5 नोट्स, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और 2 रुपीज़ उसमें 2 रुपीज़ ऐड कर देंगे, यानी कि 552। पेज नंबर 24 पे ऐसा दिया है कि लेजी क्रेजी आल्सो हैज़ अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी, कि वो मनी देना है और 100 रुपीज़ की नोट्स है, 10 रुपीज़ है और कॉइन है, 1 रुपीज़ की कॉइन है, और उसको क्या करना है, 420 रुपीज़ पे करना है। तो कैसे करेंगे? 100 की 4 नोट्स और 10 रुपीज़ की 2 नोट, तो हो गया 420। उसके बाद क्या है, 143, क्या है, 143, तो 143, तो 100 की 1 नोट्स एंड 43 यानी कि 10 रुपीज़ की 4 नोट्स एंड 3 कॉइन, क्या देनी है, 3 कॉइन देनी है। उसके बाद है 242 यानी कि 100 की 2 नोट्स, उसके बाद 10 रुपीज़ की 4 नोट एंड 2 कॉइन देनी है, कितनी, 2 कॉइन। उसके बाद है 55 में आपको ओनली 400 रुपीज़ तो देना ही नहीं है, 55 ओनली है, तो 10 रुपीज़ की 5 नोट्स एंड 5 कॉइन देना है। क्या देना है? 5 कॉइन, 1 2 3 4 5 कॉइन आपको देना है। आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।